अनायास ही देख लेते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नारायण नारायण। ओम नमः। ये शिव भक्त ऋषि कौन है जिन्हें मैं नहीं पहचानता? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये तुम्हारी बुद्धि एवं स्मृति की परीक्षा का अवसर है नारद। इन ऋषिवर से इनका नाम पूछे बिना ही तुम्हें इनकी पहचान का पता लगाना होगा। नारद, तुम तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हो, तुम्हें तो जन्म से ही अनेक सिद्धियां प्राप्त हैं, परंतु तुम सदा प्रश्नों के साथ जिज्ञासा के सागर में भटकते रहते हो। इन ऋषिवर का परिचय जानने के लिए तुम अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग क्यों नहीं करते हो? नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। परम शिव भक्त जमदग्नि पुत्र राम, परम शिव भक्त जमदग्नि पुत्र राम, हम तुम्हारी तपस्या और शिव आराधना से प्रसन्न होकर तुम्हें यह अपराजेय परशु और अपना शिव धनुष प्रदान करते हैं। आज से तुम राम नहीं परशुराम के नाम से विख्यात होगे। जगत पालक भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार परशुराम का नाम धर्म, न्याय और नीति के इतिहास में अमर होगा। भोलेनाथ, आपकी कृपा पाकर मैं धन्य हुआ। तुम्हारा कल्याण हो भक्त शिरोमणि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। परम भागवत श्री हरि विष्णु के अंशावतार महर्षि परशुराम को नारद का प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम देवर्षि नारद। देवर्षि, धन्य भाग्य मेरे जो अनायास आपके दर्शन हुए। नारायण नारायण। ऋषिवर, मुझे आपकी महानता का और दिव्यता का भली भांति ज्ञान है। आप इस प्रकार प्रणाम करके मुझे लज्जित न करें, किंतु आपकी शिव भक्ति को देखकर इस समय मेरे मन में एक जिज्ञासा उठ खड़ी हुई है। देवर्षि, शिव आराधना को लेकर कैसी जिज्ञासा? नारायण नारायण। ऋषिवर, मैं आपसे ये जानने का इच्छुक हूँ कि देवाधिदेव महादेव से वरदान पाने के पश्चात भी निरंतर शिव आराधना का कारण क्या है? देवर्षि, इस पृथ्वी पर क्षत्रियों के अन्याय और अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। अहंकारी क्षत्रियों के अहंकार और अभिमान के कारण सारी पृथ्वी त्रस्त है। इसलिए मैं भगवान शिव से प्रार्थना कर रहा हूँ कि क्षत्रियों को उनके अत्याचारों के लिए दंडित करें। नारायण नारायण। महर्षि, किंतु देवादि देव आपकी शीघ्र प्रार्थना नहीं सुनेंगे। क्यों देवर्षि? भगवान शिव तो आशुतोष हैं, वे प्रार्थना से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। हो तो जाते हैं, किंतु
दूर? आप कहते कहते रुक क्यों गए देवर्षि? ऋषिवर, अभी अभी कैलाश पर एक विचित्र किंतु एक प्रेरक घटना घटी है। देवादिदेव महादेव उससे विशेष प्रभावित हुए हैं। इस कारण विचित्र एवं प्रेरक, ऐसी कौन सी घटना है देवर्षि? ये तो आप स्वयं कैलाश जाकर ज्ञात कर लें। नारायण 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 नारायण। कैलाश में ऐसी कौन सी प्रेरक घटना हो गई? कैलाश चल के देखते हैं। ऐसे क्या देख रहे हो पुत्र गणेश? ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम कुछ कहने के इच्छुक हो। कहना तो चाहता हूँ माता, किंतु निर्णय नहीं कर पा रहा कि कहूँ अथवा नहीं। अपनी बात कहने में संकोच नहीं करते पुत्र? पिताश्री, मैंने तो सुना है कि माताएं अपने पुत्र की भूख और प्यास की चिंता अपनी भूख प्यास से भी अधिक करती हैं। किंतु इतने भयानक संघर्ष घात प्रति घातों को सहकर मैं कितना अधिक भूखा रह गया हूँ, किंतु मेरी माता को मेरी भूख की तनिक भी चिंता नहीं है। देवी पार्वती, पुत्र गणेश सत्य कह रहे हैं, आपको इनकी भूख का ध्यान रखना चाहिए। किंतु स्वामी। माता, स्नान पर जाने से पूर्व आपने जो मोदक और लड्डू मुझे दिए थे उन्हें तो मैं युद्ध के मध्य ही पचा गया था। देवी पार्वती, गजानन बनने के पश्चात गणेश की भूख भी गज अर्थात हाथी के समान हो गई है। आपको इनकी भूख का शीघ्र ही शमन करना चाहिए। मैं तो भूल ही गई थी पुत्र गणेश कि तुम अपने पिता के समान युगों तक निराहार नहीं रह सकते। मैं अभी तुम्हारे लिए स्वादिष्ट मोदकों का प्रबंध करती हूँ। देवी पार्वती, श्री गणेश को अपनी दिव्य शक्ति से नहीं अपितु माँ की ममता का प्रमाण देते हुए स्वयं अपने हाथों से मोदक बनाकर खिलाएं। जो आज्ञा स्वामी। पिताश्री, क्या माता अपने हाथों से मोदक बनाकर आपको भी भोग लगाती हैं? पुत्र गणेश, मोदक का नाम तो हमने पहली बार तुम्हारे प्रकट होने के पश्चात तुम्हारे ही मुख से सुना था। हमें तो ये भी ज्ञात नहीं कि मोदक कैसे बनते हैं, किंतु आज हम तुम्हारी माता पार्वती की रसोई अवश्य देखेंगे। दिव्य शक्ति अथवा भानुमती के पिटारे से मोदक प्रकट करना तो ठीक है और उनके मधुर स्वाद से मैं परिचित भी हूँ, किंतु जब पिताश्री मोदक का नाम पहली बार सुन रहे हैं तो पता नहीं माता को स्वयं मोदक बनाना आता भी है या नहीं। कहीं वे मेरा मन प्रसन्न करने के लिए तो नहीं कह रही थी। किंतु माता असत्य क्यों कहेंगी? मोदक आने तक मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। पता नहीं गजानन बनने के पश्चात श्री गणेश की भूख कितनी होगी। कहीं मोदक के इन थालों से उनकी भूख शांत ना हुई तो? तुमने आज तक हमें तो मोदक खिलाए नहीं, पति और पुत्र के बीच इतना पक्षपात क्यों? स्वामी। देवी पार्वती, मेरे परिहास को आप अन्यथा ना लें। पुत्र के प्रति स्नेह में ही पति का सम्मान और प्रेम छुपा रहता है, किंतु
किंतु क्या स्वामी? सुमुखी शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, तुमने हमें बताए बिना ही अपने पुत्र की रचना कैसे कर ली? यदि तुम बता देती तो ये सारा कांड होता ही नहीं। मुझे बताने का अवसर ही कहाँ मिला स्वामी। मैंने तो स्नान अनुष्ठान के पश्चात श्री महागणेश के पूजन का संकल्प किया था। अपने संकल्प की पूर्ति से पूर्व मैं आपको अवश्य बता देती, किंतु आपने मेरे बताने से पूर्व ही श्री गणेश पर त्रिशूल से प्रहार कर दिया। वो हमारी भूल थी देवी पार्वती। योग और वैराग्य को धारण करने वाले शिव में क्रोध की उत्पत्ति न जाने कैसे हो गई। स्वामी, स्वयं आपने ही तो कहा था कि ये सारी घटनाएं परम देव श्री महागणेश की इच्छा एवं संकेत से हुई हैं। तो भूल का प्रश्न ही कहां उठता है। जो हुआ वो तो होना ही था। सत्य तो ये है स्वामी कि जन्म जन्मांतरों से मैं श्री महागणेश के इसी रूप की माता बनने की कामना कर रही थी। श्री महागणेश का गजानन स्वरूप मुझे सबसे प्रिय है। अर्थात परम देव श्री महागणेश के साथ शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती की इच्छा और लीला भी सक्रिय थी। देवी पार्वती, श्री गणेश को श्री महागणेश जैसा गजानन रूप प्राप्त हो, कहीं इसी कारण आपने ही तो इस लीला को नहीं रचा? परम देव श्री महागणेश के साथ शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती की इच्छा और लीला भी सक्रिय थी। देवी पार्वती, श्री गणेश को श्री महागणेश जैसा गजानन रूप प्राप्त हो, कहीं इसी कारण आपने ही तो इस लीला को नहीं रचा? नहीं नहीं स्वामी, वास्तव में ये लीला परम देव श्री महागणेश की ही है, जिसमें हम सभी पात्र बन गए। अर्थात श्री गणेश के गजानन बनने के कारण आपके जन्म जन्मांतरों की कामना पूर्ण हुई। आपने जो इच्छा की वो मिल गई। क्षमा करना माता, क्षमा करे पिताश्री। अब मेरा धैर्य समाप्त होता जा रहा है। मेरी सुधा गज सुधा के समान तीव्र होती जा रही है। मैं यहाँ अपने आप को आने से रोक न पाया। कितने लंबे समय के पश्चात हमें तुम्हारी माता के साथ एकांत में रहने का अवसर मिला था, और तुम उस एकांत में विघ्न पहुंचाने के लिए आ गए। क्या तुम अपनी भूख पर कुछ समय के लिए नियंत्रण नहीं रख सकते थे? क्षमा कर दे पिताश्री, मैं अपनी भूख पर नियंत्रण नहीं रख सकता। भूख के कारण ही मुझे यह अपराध हो गया। तुम्हें अपनी भूल और अपराध के लिए प्रायश्चित करना होगा। आज्ञा करें पिताश्री, मैं अपनी भूल और अपराध का क्या प्रायश्चित करूं? तुम्हें इस कक्ष का प्रतिहारी बनना होगा। जिस प्रकार तुमने अपनी माता के स्नान के समय स्नान कक्ष का पहरा दिया था, उसी प्रकार इस समय इस कक्ष का भी पहरा देना होगा। जो आज्ञा पिताश्री। पुत्र गणेश, हमारे कक्ष में हमारी आज्ञा न मिलने तक किसी को आने न देना। Thank you.
ये लो पुत्र, हमारा त्रिशूल धारण करो। माता, पिताश्री ने तो प्रतिहारी बनने से पूर्व मुझे अपनी त्रिशूल के रूप में भेंट दे दी, किंतु क्या तुम मुझे कुछ भेंट नहीं दोगी? कैसी भेंट श्री गणेश? पिछली बार जब मैं आपकी आज्ञा से प्रतिहारी बना था, तब आपने अपनी दिव्य शक्ति से प्रकट स्वादिष्ट मोदक और लड्डू मुझे भेंट किए थे, किंतु आपके हाथ से बने मोदकों के सम्मुख वे दिव्य मोदक तो स्वादहीन हैं। श्री गणेश, आपके कक्ष के बाहर पहुंचने से पूर्व ही ये मोदक के थाल बाहर पहुंच जाएंगे। सत्य माता। तुम्हारे आराध्य भगवान शिव कहाँ है? महाराज नंदी, शिवगणों, मेरे प्रश्न के उत्तर में तुम सब मौन क्यों हो? मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते? बताओ कहाँ है शिव शंकर? जब वे हमें बताकर नहीं गए तो हम आपको क्या बताएं कि वे कहाँ गए हैं? शिवगणों, तुम शिव के सेवक और कैलाश के रक्षक हो, शिव कहाँ जाते हैं ये ज्ञात रखना तुम्हारा कर्तव्य है। अतिशीघ्र बताओ कहाँ है भोलेनाथ? हमें ज्ञात नहीं कि वे कहाँ हैं, हम आपको कैसे बताएं? आप इस प्रश्न को बार बार क्यों दोहराते हैं? महाराज नंदी, तुम हमारी उपेक्षा और अपमान कर रहे हो। इसे आप अपना अपमान समझें या उपेक्षा, हम सत्य कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ के स्थान का ज्ञान हमें नहीं है, वे मुझे कुछ भी बताकर नहीं जाते हैं। भगवान शिव यदि नहीं बताते तो तुम्हें तो ज्ञात रखना चाहिए, भगवान शिव के जाने के स्थान का ज्ञान रखना तुम्हारा कर्तव्य है। ऋषिवर, आप अपने क्रोध में हमारे कर्तव्य की परिभाषा रचने का प्रयास ना करें। युगो युगो से हम शिव के सेवक अपनी सेवाओं से उन्हें संतुष्ट करते रहे और उनकी कृपा प्राप्त करते रहे। भोलेनाथ की कृपा के कारण ही तुम्हें शिवगण जैसा महत्वपूर्ण पद प्राप्त है, अन्यथा तुम सब इस योग्य हो ही नहीं। ऋषिवर, आप हमारी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह ना लगाएं, शांत रहकर शिव ध्यान में लीन होकर आप प्रतीक्षा करें, नहीं तो आप जैसे आए हैं वैसे ही लौट जाएं। नंदी, हमारे क्रोध को जगाने का दुस्साहस न कर, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। हम अपने आराध्य भगवान शिव को स्वयं ही ढूंढ निकालेंगे।